नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते आज के खास बुलेटिन की ओर। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। मिसाइल हमले में यूक्रेन के 9 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस की फौज यूक्रेन के कई इलाकों में पहुंच चुकी है। कई पैराट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर उतरे हुए हैं। और इधर यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने रूस की इकोनॉमी तबाह करने की धमकी दी है। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग की शुरुआत कर दी है। गुरुवार सुबह 8:30 बजे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्यवाही के ऐलान के 5 मिनट बाद यूक्रेन में धमाके सुनाई दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 12 जगहों को निशाना बनाया है। कीव में 2 जगह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। कोरोना महामारी के कारण आईसीसी ने महिला वर्ल्ड कप के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नगर नियम के मुताबिक अगर किसी टीम में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आते हैं और 11 खिलाड़ी पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो टीम 9 खिलाड़ियों के साथ भी मैदान पर उतर सकती है। एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर और सिंगर शिवानी दांडेकर ने एक दिन पहले अपनी शादी की ऑफिशियल फोटो शेयर की थी। अब हाल ही में शिवानी दांडेकर ने अपनी मेहंदी सेरेमनी की कुछ खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की है। कंगना रनौत आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर हमेशा ही निशाना साधती रही है। हाल ही में आलिया की अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन पर रिएक्ट किया है। आलिया की फिल्म का डायलॉग बोलते हुए एक लड़की के वायरल वीडियो को लेकर निशाना साधा है। अब आलिया ने कंगना की बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, अगर बच्ची के माता पिता को ठीक लगा फिर किसी को क्या समस्या। IPL सीजन 15 के मुकाबले मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में खेले जा सकते हैं। IPL गवर्निंग काउंसिलिंग की गुरुवार को होने वाली बैठक में इस फैसले का मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि मुंबई में सबसे ज्यादा 55 मुकाबले खेले जाएंगे। वानखेड़े में मुंबई इंडियंस की टीम ज्यादा मुकाबला खेल सकती है। अब खबरें मध्य प्रदेश से। नरसुलागंज तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम मर्यादों को नवीन ग्राम पंचायत सिराली में शामिल नहीं किए जाने के संबंध में कलेक्ट्रेट चंद्र मोहन सिहोर के नाम SDM DS तोमर को ग्राम निवासियों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्राम मर्यादों को ग्राम पंचायत भिलाई से हटाकर ग्राम पंचायत सिराली नवीन पंचायत से शामिल करने की अधिसूचना जस्पा की गई है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चुटौली संस्था के खरीद केंद्र किसान वेयर हाउस भीतरवार पर की गई है। धान की तौल यानी कि मजदूरों को दिलाने की मांग करते हुए पल्लेदारों हमलों ने SDM अश्विनी कुमार रावत को जनसुनवाई के दौरान ज्ञापन सौंपा है। विश्वास सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इछावर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में इस समय उबाल देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रभावशाली कांग्रेस में दखल रखने की कई वरिष्ठ कांग्रेसी लोगों का एक बड़ा समूह, जिसमें पूर्व में कांग्रेस में प्रदेश स्तर जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की बैंकों और सेवा सहकारी समितियों में महत्वपूर्ण पदों पर निवंचित होते आ रही है। जबलपुर में एक महिला द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत करने की सजा उसे ऐसी मिली कि विभाग द्वारा महिला को निलंबित कर दिया गया और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाने लगा। मानसिक रूप से प्रताड़ित बुजुर्ग महिला अनीशा बेगम ने अब इसकी शिकायत लोकायुक्त SP संजय साहू से की है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।